शेयर मार्केट अभी बहुत क्रैश हो रहा है, करीब करीब 7-8% से लेकर 10% तक नीचे 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 आ रहा है। थोड़ा सा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गया था। अभी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी शेयर मार्केट में लोगों को है, और वो कौन से स्टॉक में है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या है कि अभी महंगाई जो है, मतलब निर्देशांक जो है, इन्फ्लेशन रेट, वो बहुत बड़ा हुआ है, 6.33 अप्रॉक्सीमेटली 6.33%। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ गई तो लोग चिल्लाते रहते हैं। तो महंगाई यदि कम करना है तो फिर उसमें कोई मेजर्स गवर्नमेंट लेती है या रिजर्व बैंक लेती है। और रिजर्व बैंक ने क्या किया कि रिजर्व बैंक ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब ऐसा है कि रिजर्व बैंक के पास में जाने वाली जो बैंक थी कि हमको लोन दो, तो रिजर्व बैंक ने अपना लोन देने का जो रेट है वो रेट, इंटरेस्ट रेट, वो बढ़ा दिया। अभी उससे क्या हो गया, उससे बैंकों को ज्यादा भाव में, ज्यादा इंटरेस्ट रेट में रिजर्व बैंक से पैसा मिल रहा है। तो बैंक को जब ज्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब ज्यादा रेट में मिल रहा है, अभी बैंक क्या करेगी? जब बैंकों को ज्यादा रेट से, इंटरेस्ट रेट से पैसा मिल रहा है, तो बैंक भी ज्यादा रेट लगाएंगे अपने कस्टमर को। मतलब अभी लोन महंगे हो गए, जो कर्जा है वो महंगा हो गया। मतलब पहले समझो, फॉर एग्जाम्पल, यदि कर्जे को एक HDFC या ICICI बैंक या कोई भी बैंक समझो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती थी, तभी वो अपने कर्जदार जो है उनको 9.5-9.5% लगाएगी। क्यों? क्योंकि भाई उनको भी ज्यादा भाव में पैसा मिल रहा है। जब लोगों को ज्यादा रेट लगेगा तो नेचुरली लोग क्या बोलेंगे कि भाई अपने को ज्यादा रेट लग रहा है, हम क्या करते हैं कि हमारा जो खरीदना है, समझो कार खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, जगह खरीदना है, जो भी कोई खरीदी करना है, थोड़ा हम पोस्टपोन करते हैं। तो लोग पोस्टपोन करना चालू करते हैं। तो लोगों ने खरीदी करना, पोस्टपोन करना चालू किया, इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में वो वस्तु पड़ी है बिना बेचे। जैसी कार की डिमांड अभी कम हो गई, क्योंकि अभी लोग कम खरीदने के लिए तैयार है। क्यों कम खरीदना है? क्योंकि रेट ज़्यादा लग रहा है, ब्याज लग रहा है ज़्यादा, इसलिए लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया। कार पड़ी रहेंगी कार डीलर के पास में, जब कार पड़ी रहेंगी, उसको इतनी डिमांड नहीं है, तो क्या करेंगे, भाव नीचे करेगा। ऐसा सभी वस्तुओं में होता है, और महंगाई कम हो जाएंगी, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा। तो ऐसा एक साइकिल चालू रहता है। तभी बैंकों को क्या होगा इसमें, कि बैंकों को इसमें धंधा, बैंकों का धंधा कम हो जाएगा। बैंक को ज़्यादा पैसे से पैसा मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से, वो ज़्यादा से देंगे, धंधा कम हो रहा है, क्योंकि लोग लोन लेने कम आएंगे। धंधा कम हो गया तो नेचुरली जो बैंक का नफा है वो कम होगा, और बैंक का नफा कम होगा तो नेचुरली बैंक का शेयर का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ऐसा जो होता है तो डेफिनेटली अच्छा मौका है बैंक के शेयर खरीदने का। क्यों? क्योंकि वैसा तो बैंक को कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट है। वो तो फिर से रेट रिजर्व बैंक कम करेगी, फिर से सब चक्कर ये उल्टा पुल्टा होकर नॉर्मल हो जाएगा, और तब बैंक प्रॉफिट में आएंगे। तो लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो अभी कम रेट में बैंकों के शेयर मिलेंगे, और बाद में एप्रिसिएशन बैंक के शेयर में बहुत अच्छा मिल सकता है। तो अभी आपकी जो सबके पसंद की जो बैंक है, वो अच्छे अच्छे दामों में मिल रही, वैसे भी जैसे कि स्टेट बैंक है, HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, IDFC फर्स्ट बैंक आगे चल के बहुत बड़ी हो सकती है, उसका रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी आप सोच सकते हैं खरीदने के लिए शेयर। और यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, तो आप ये शेयर खरीदते हैं थोड़े से भाव में, और धीरे धीरे खरीदते रहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो जिनको सचमुच अपना पैसा बढ़ाने में, इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, ताकि डेफिनेटली उनको आने वाले 3 साल में कम से कम 20-25% फायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।